नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। धनतेरस की बात आती है तो धनतेरस की शाम को एक खास उपाय बहुत जरूरी होता है, आपको करना चाहिए। यानी धन वर्षा की जब हम कामना करते हैं तो धन वर्षा के साथ हम कुछ ऐसी चीजें अक्षय धन वर्षा जाते हैं, यानी इतना धन हो जिससे हमारी सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाए। एक शाम के सब बर्तन तो आप खरीदते हैं, चीजें आप खरीदते हैं, लेकिन एक डिब्बिया जरूर खरीद लीजिए। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, ये उपाय जो है ये कल दीपावली मतलब 3 तारीख की रात तक इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो अगर आज नहीं देखी आपने वीडियो तो कल देख रहे हैं, या दीपावली के दिन देख रहे हैं, दीपावली की सुबह तक देख रहे हैं, तो दीपावली की सुबह नहीं, छोटी दीपावली की रात तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक छोटी सी स्टील की डिब्बिया ले आइए जिसका ढक्कन बंद हो सकता हो। अब उस ढक्कन को बंद करने के पीछे का रीजन क्या है कि जो भी धन आप इकट्ठा करें वो आपके घर में टिके, स्थायी निवास करें। इसीलिए डिब्बी वही लेनी है जिसका ढक्कन बहुत अच्छे से बंद होता हो। और दूसरी बात, जब आप डिब्बिया लेकर के घर के अंदर आ रहे हैं तो उसके अंदर 3 सिक्के डाल करके ही घर के अंदर आपने अपनी वो डिब्बिया लेकर के आना है। अगर आपने ये डिब्बिया खाली लाई है तो फिर ये देखिएगा धन बहुत ज्यादा आपके पास नहीं टिकेगा। आपने सिक्के नहीं आप डाल रहे हैं, आपके पास कॉइन्स नहीं है, तो आप चावल थोड़े से अक्षत ले लीजिए, वो आपने डाल करके अपने घर की दहलीज जो है डिबिया की उसी शुभता के साथ ही अपने घर की दहलीज पार करवानी है। अब आपने घंधा क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर है, सिक्के बीच में ही रहने चाहिए। अगर सिक्के डले हुए हैं, अगर सिक्के नहीं डले हुए हैं, चावल डले हुए हैं, तो वो बीच में ही रहने चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल लेना है, डिब्बिया को खोलना है, हल्का सा छिड़काव करना है गंगा जल का, और उस डिब्बिया को चावल के साथ भर देना है। वो डिब्बिया ऐसे चावल के साथ भरनी है ताकि उसके ऊपर आप 11 सिक्के रख सके, उतने कप होना चाहिए, एकदम ऊपर तक नहीं भरिएगा, ऐसा थोड़ा सा खाली रख करके ताकि उसके ऊपर आप 11 सिक्कों की लेयर बना सके। ये डिबिया आपने जब अपने घर की पूजाएं कर लेते हैं, क्योंकि जब धन त्रयोदशी की बात आती है तो दीपावली की रात तक पूजाएं चलती है, डेली पूजा की जाती है, यानी धनतेरस से लेकर के चतुर्दशी की भी पूजा की जाती है, और उसके बाद अमावस्या की रात की मां लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। यानी 3 दिन लगातार पूजा शाम की करनी ही चाहिए। अगर आप ये उपाय 2 तारीख को कर रहे हैं तो 2 तारीख की शाम को आपने अपने घर की पूरी पूजा समाप्त करने के बाद इन डिब्बी को, जो चावलों से भरी हुई डिब्बी अगर भर दी है तो ठीक है, अगर नहीं भरी है तो भर लीजिएगा। उस डिब्बी को भरने के बाद आपने ऊपर 11 सिक्कों की लेयर बनानी है और उस डिब्बिया को बंद कर देना है। जब घर की सारी पूजाएं समाप्त होने के बाद शाम को आप अपने खाना वाना खा चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, तो रात को आपने सोने से पहले कमल गट्टे की माला है तो बहुत अच्छी बात है, सेकेंड ऑप्शन स्फटिक की माला है, थर्ड ऑप्शन आपकी रुद्राक्ष की माला है। अगर कमल गट्टे की माला है तो उस पर आप पूजा कीजिए, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, एक माला जाप कीजिए, इस डिब्बी को खुला रख करके जाप कीजिए, उसके बाद डिब्बी को बंद कर दीजिए, डिब्बी को आपने अपनी अलमीरा के अंदर रख देना है। अभी और बताएंगे, प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये उपाय आप 3 तारीख को कर ले तो, यानी 4 तारीख को ये उपाय नहीं करना है, 2 या 3 तारीख को ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर 3 तारीख की रात को उपाय कर रहे हैं या शाम को उपाय कर रहे हैं तो प्रोसेस यही है, जब डिब्बी लाए तो खाली ना लाए, एक तो उसके अंदर चावल होने चाहिए, दूसरा या तो सिक्के होने चाहिए 3, और उसके बाद जब घर लाए तो डिब्बी के ऊपर हल्का सा गंगा जल का छिड़काव करके उसे चावलों से भर दे, और उसके ऊपर एक लेयर बनानी है सिक्कों की, वही 11, जैसे आपने 2 तारीख को ये उपाय किया है। और अगेन आपने या कमलगट्टे की माला से, या फिर स्फटिक की माला से, या फिर लास्ट में रुद्राक्ष की माला से आपने ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, और उसके पश्चात डिब्बिया को बंद करना है, और आपने अपने धन स्थान पर अलमीरा में या फिर ज्वेलरी के स्थान पर आभूषण जहां रखते हैं वहां रखते रहे। अब ये डिब्बिया वहां पे सुरक्षित होगी, धन लक्ष्मी आपके कब्जे में होगी। अब करना क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि साल भर क्या वो चावल वहीं रहेंगे,
या चावल खराब तो नहीं हो जाएंगे? क्या करना है आपको? आपने हर पूर्णिमा की रात को जो खीर बनेगी वो इन्हीं चावल की बनेगी। हर पूर्णिमा पे जितनी पूर्णिमा आएगी आपने यही चावल से ही खीर अपने घर में बनानी है। दिन में किसी भी समय में खीर बना सकते हैं, रात को चंद्रमा को अर्घ जरूर देना है इस खीर से, और सब व्यक्तियों ने ये खीर जरूर खानी है। जितने चावल आप इसमें से निकाल लेंगे, सिक्कों को थोड़ा सा साइड करके, जितने चावल आप इसमें से निकालेंगे उतने ही चावल आपने इसमें डाल देने हैं। अगर मान लीजिए आपने 2 मुट्ठी चावल निकाले या 1 मुट्ठी चावल निकाले, क्योंकि डिबिया ऐसी हो जिसका मुंह थोड़ा सा खुला हो, आपने जब वो मुट्ठी चावल निकाले तो उतना मुट्ठी चावल उसमें डाल देने हैं। यानी एक तो पूरा साल डिबिया खाली नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात जितने सिक्के हैं वो धीरे 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 नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। यानी आपके पास माँ लक्ष्मी आ रही है, माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही है और आपके घर में स्थायी निवास करने जा रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सारे सिक्के निकलते जाएंगे, वो नीचे नीचे की तरफ होते जाएंगे और ऊपर आपको चावल मिला करेंगे। साल भर आपने सेम प्रोसेस, इसी चावल का प्रोसेस करना है, ऐसे ही खीर बनानी है, चंद्रमा को अर्घ देना है, सारी खीर खुद घर के लोगों को खानी है, बाहर के लोगों को भी बांट सकते हैं, स्वस्थ भी रहेंगे, माँ लक्ष्मी भी आएगी, माँ लक्ष्मी आकर के आपके घर में स्थायी निवास भी करेगी और इसके अलावा सुखों से आपके घर के भंडार हमेशा बन रहेंगे, ना अन्न की कमी होगी, ना धन की कमी होगी और ना ही सुखों में कमी होगी। तो आप सुखी भी रहेंगे, धनवान भी बने रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को धनतेरस पे जो उपाय किए जाते हैं वो फिर आपको पूरा साल इंतजार करना पड़ता है इन सारे उपाय और रेमेडीज को करने के लिए। तो आपने ये वीडियो धनतेरस की सब लोगों तक जरूर पहुंचानी है, ताकि ये उपाय हर व्यक्ति कर सके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।